हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं डालगोना कॉफ़ी की रेसिपी, तो जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है, लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। डालगोना कॉफ़ी नॉर्मली आमतौर पे एक 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 के रेशो में बनाते हैं, जैसे कि एक टेबलस्पून हमने कॉफ़ी लिया तो एक टेबलस्पून पानी और एक टेबलस्पून शक्कर, उससे कॉफ़ी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए हम इसे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इसे बनाने में हम एक टेबलस्पून कॉफ़ी, एक टेबलस्पून पानी और दो टेबलस्पून शुगर यूज़ करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं डालगोना कॉफ़ी। ये दो टेबलस्पून हमने इंस्टेंट कॉफ़ी लिया है, इसमें हम चार टेबलस्पून पाउडर शुगर डालेंगे। आपको कम मीठा पसंद है या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है, एक टेबलस्पून कॉफ़ी को एक ही टेबलस्पून शक्कर यूज़ कीजिए। और ये मैं दो टेबलस्पून हॉट वाटर इसमें डाल रही हूँ। अभी हम इसे विस्कर से विस्क करेंगे। 10 से 15 मिनट इसको विस्क होने में लगते हैं। लाइट लाइट होता जाएगा कॉफ़ी का कलर। देखिए फ्रेंड, पहले कितना डार्क था, अभी ये थोड़ा लाइट लाइट होने लगा है कलर। पर अभी बहुत टाइम है, 5-7 मिनट इसको और लगेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे कॉफ़ी का कलर कितना चेंज हुआ है, कितना लाइट हुआ है, ये कितना थिक हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरी तरह से हम ऐसे ऐसे करेंगे तो नीचे गिरता नहीं है, इसका ही मतलब ये हमारा कॉफ़ी का मिक्सचर अभी बना है। तो आइए अभी इसे सर्व कर लेते हैं। इसे सर्व करते टाइम मैं इसे 3 तरह से सर्व करने वाली हूँ। अगर आपको विस्कर से ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा लगता है, तो आप इस टाइप के इलेक्ट्रिक विस्कर से भी कर सकते हो। ये जल्दी बन जाता है और मेहनत भी थोड़ी कम लगती है। पहले हम इसे हॉट मिल्क के ऊपर सर्व करेंगे। ये भी क्लासिक डालगोना कॉफ़ी है, सिर्फ इसे हम कोल्ड पे सर्व कर रहे हैं। ये नीचे मैंने बर्फ़ डाला है, इसके ऊपर हम ये दूध डालेंगे और उसके ऊपर इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कॉफ़ी कितनी अच्छी लग रही है। ये हमारा तीसरा और आखिरी फ्लेवर है, जो हम मोका फ्लेवर बनाने जा रहे हैं। ये जो हमारा कॉफ़ी का पहले मिक्सचर हमने बनाया था, इसमें हम एक टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे, जिसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। इससे बहुत अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर आता है और कॉफ़ी की टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। आइए फ्रेंड्स, इसे भी हम अभी ठंडे दूध के ऊपर सर्व कर लेते हैं।
ये तीसरा हम मोका फ्लेवर का कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं। इसके लिए हमने ग्लास में बर्फ डाल लिया है, उसके ऊपर ये हम मिल्क डालेंगे, ये ठंडा मिल्क है। और इसके ऊपर अभी डालगोना कॉफ़ी की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको इनमें से कौन से अच्छी लगती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। हम मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।